अस्सलाम वालेकुम। ये सेकंड टाइम में तहसीलदार का पेपर हुआ था, उसका पार्ट टू है। चलिए शुरू करते हैं। ब्लैंक राइट ब्रदर, ब्लैंक एयरप्लेन। तो इसमें द राइट ब्रदर एन एरोप्लेन आता है, ठीक है। द राइट ब्रदर आएगा, आगे एन एरोप्लेन आएगा। फिर ये एक उर्दू का एक मुहावरा था, छोटा मुंह बड़ी बात। तो इसमें आता है स्मॉल विट ग्रेट बोस्ट। ये इसके इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन बनती है। करेक्ट कैपिटलाइजेशन अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स जेन जेन ऑस्टन, जो एक इंग्लिश ऑथर है, राइटर्स है। तो इसका जो आंसर था वो तो नन ऑफ दिस, नहीं आपने इसमें करनी थी वो उनकी करेक्शंस करनी थी कैपिटलाइजेशन की, वो वैसे आती यू बनती थी अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स जेन ऑस्टन। अब ये ऑप्शन में था नहीं, लिहाजा नन ऑफ दिस। बिजनेस ऑफ मेकिंग अ फैशनेबल ड्रेस इज कॉल्ड हॉट कैटोर, इसे कहते हैं हॉट कैटोर, इसे बोला जाता है। करेक्ट द सेंटेंस, वी विल लीव एज सून एज यू आर रेडी। ये एक सेंटेंस है, उसकी जो करेक्शन की गई है वो यही है, वी विल लीव एज सून एज यू आर रेडी। टर्की एम्बेसडर अलॉन्ग विद टू डेलीगेशंस कम टू पाकिस्तान। तो आर टर्की एम्बेसडर अलॉन्ग विद टू डेलीगेशंस इज कम टू पाकिस्तान, ये इसका ठीक सेंटेंस था। कार मैन्युफैक्चर डिजाइन आ कंपेन फॉर कंज्यूमर एजुकेशन, शी सेड इज दिस डॉक्टर एंड लेट मी इन। तो यहाँ पर आपने पंक्चुएशन की इस सेंटेंस में दोस्ती करनी थी, पंक्चुएशन ठीक कम पंक्चुएशन क्या आएगा। तो शी सेड इज ही द डॉक्टर एलेट मीन, यानी कि यहाँ जो कॉमे लगे हुए हैं इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में हमने पंक्चुएशन की दुरुस्ती करी थी, कॉमा फुल स्टॉप वगैरह स्वले निशान और इन्वर्टेड कॉमाज वगैरह। आइन वक्त पर, ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश, तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे इन द निक ऑफ टाइम, ये बहुत फेमस इडियम है। प्रोड्यूस ऑटोमोबाइल इन इंक्रीज द डैश ऑफ द कस्टमर, टू प्रोड्यूस ऑटोमोबाइल टू इंक्रीज द कैपेसिटी, कस्टमर की अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना। करेक्ट द सेंटेंस क्या है, ही प्लेज हॉकी एज हिज ब्रदर। तो यहाँ पर आपने सेंटेंस की करेक्शन करनी है, ठीक जुमला क्या होता है वो बनाना है, वो ये था ही प्लेज हॉकी एज हिज ब्रदर, ये ठीक एक सेंटेंस है। करेक्ट द सेंटेंस, चिल्ड्रन एब्जॉर्ब्स इन द गेम्स, मतलब बच्चों को गेम्स में एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये भी ये सेंटेंस करेक्शन थी, ये उसकी ठीक सेंटेंस करेक्शन है। करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, ही वॉज वॉटरिंग ऑफ द प्लांट्स। तो इसका आंसर जो पेपर में है वो नन ऑफ दिस था, क्योंकि वहां पर इस सेंटेंस की ठीक करेक्शन नहीं की हुई। एंटोनिम ऑफ इंट्रांस, इंट्रांस होता है मतलब किसी चीज में दाखिल होना, तो डिपार्चर क्या होता है खारिज होना निकलना, तो इसका ऑप्शन नन ऑफ दिस आता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, इस मुहावरे का हमने उर्दू में तर्जमा करना था। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, ताली एक हाथ से नहीं बजती। वट इज द एंटोनिम ऑफ एडमोनिशन, एडमोनिशन क्या होता है, अपलॉड इनकर्जिंग अर्जिंग, इसके एंटोनिम बनते हैं। आई थिंक इसका जो एंटोनिम अपलॉड था वो पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है, वट इज द एंटोनिम ऑफ फेसिट, फेसिट होता है अनकवर, फेसिट के एंटोनिम बनेगा अनकवर। He worked hard lest he dash fail. He worked hard lest he should fail. यहाँ पर जो ब्लैंक में शुड आता है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज आएगा। स्पेलिंग करेक्शन है, तो एक ही स्पेलिंग करेक्शन थी, वो है प्ले राइट। सिनोनिम ऑफ एड्यूस, एड्यूस होता है मतलब वाजिया आवाज, यानी जो मुखभंग ना हो, वाजह हो, जिसमें क्लैरिटी हो, एलिसिट, इसका ठीक सिनोनिम बनता है एलिसिट। तो बाकी जैसे ही आते हैं हमारे पास इसके क्वेश्चन स्टेटमेंट, तो वो भी जल्दी अपलोड करेंगे।